अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टैटिस्टिक का एक टॉपिक है मीडियन। लास्ट वीडियो में मैंने अर्थमेटिक मीन आपको बताया था, अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको मीडियन बताऊंगा। बेसिकली मीडियन जो है वो मोस्ट मिडल वैल्यू कोई भी अरेंज डेटा की, उसको मीडियन कहते हैं। द मोस्ट मिडल वैल्यू, ऑफन अरेंज डेटा, कोई भी हम डेटा को अरेंज करके उसकी मोस्ट मिडल वैल्यू जो है, मिडल वैल्यू जो है वो निकालते हैं, वो मेरा मीडियन कहलाता है। राइट अब इसके भी जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा हैं, बेसिकली तीन है कि किस तरह वो डेटा या लिस्ट जो है वो क्वेश्चन उस फॉर्म में आता है। जैसे लाइक अगर एक सिंपल एक लिस्ट की फॉर्म में आता है, एक लिस्ट की फॉर्म में क्या कि जैसे मेरे पास एक लिस्ट दे दी है 7 7 2 3 4 2 7, ये लिस्ट है मेरे पास 9 और 11 और 18। अब हमें इसका मीडियन फाइंड करना है अगर सबसे पहले हम ये लिस्ट प्रोवाइडेड होगी आपको और आपको क्वेश्चन आएगा फाइंड मीडियन सिंगल कॉलम, ठीक है। अब हम जो है फर्स्ट ऑफ ऑल वी सबसे पहले जो है हम इसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग मतलब छोटे नंबर से बड़े नंबर में, टू टाइम्स है तो टू टाइम्स ही लिखेंगे, एक टाइम मतलब वन टाइम जो है वो उसको नहीं लिखेंगे, हम दोनों दफ़ा लिखेंगे इसको। अब 2 2 3, फिर उसके बाद जो है वो 4 है, 7 थ्री टाइम्स है तो थ्री टाइम्स ही लिखेंगे, फिर जो है वो 9 है, 11 है और 18 है। इसको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में मैंने अरेंज कर दिया। टोटल कितने नंबर है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी n टोटल नंबर बताते हैं, n स्टैंड फॉर टोटल नंबर है मेरा, के n जो है वो 11 है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे n+1/2, ये लिखे हुए हैं, तो n जो है वो 11 है प्लस 1/2, तो ये 12/2, 2 × 2 = 12, तो सिक्स्थ वैल्यू कौन सी, क्या कहलाएंगे सिक्स्थ वैल्यू जो है वो मेरी, यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग से लेफ्ट हैंड साइड से 1 2 3 4 5 और ये 6, ये मेरा मीडियन कहलाएगा, यानी मीडियन इज इक्वल टू 7। मीन्स टोटली वो इस फॉर्मूले पे डिपेंड कर रहा है कि अगर मैं n+1/2, यानी n टोटल कितने नंबर है, 11 है, 11+1/2 12/2, इसको रिड्यूस किया तो सिक्स्थ वैल्यू आई, ठीक है। यानी जो भी एक्चुअल फॉर्मूला देखना है तो ये है अपॉन टू वैल्यू, ठीक है। अच्छा अगर अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास ये सिंपल इंटीजर आया कि 6 आ गया, अगर मेरे पास यही नंबर अगर डेसिमल में आता, पॉइंट में आता, तब हम क्या करते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास, सेकंड क्वेश्चन में ये डाटा जो है दिया हुआ है 36 41 27 32 29 38 39 43 55 42। अब यहाँ पे इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में करूँगा, तो सबसे छोटा है 27 है, फिर 29 है, फिर मेरे पास जो है वो 32 है, फिर 36 है, फिर 38 है, फिर 39 है, फिर 41 है, फिर 42 है, 43 और 55, ये मैंने जो नीचे है वो अरेंज डाटा आ रहा है। अब यहाँ पे कितने काउंट करें, एन कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एन कितने हैं 10।
अब यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, एन प्लस वन अपॉन टू वैल्यू, तो क्या होगा, एन है मेरे पास टेन प्लस वन अपॉन टू, तो ये हो जाएगा इलेवन, इलेवन अपॉन टू, तो ये आंसर आएगा मेरा 5.5। अब 5.5 जो वैल्यू आई है, ठीक है, 5.5 मीन्स 6, 5 और 6 के दरमियान की वैल्यू 5.5। इट मीन्स अगर मैं यहाँ से काउंट करना शुरू करता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब इसकी मिड की वैल्यू क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, इन फिफ्थ और सिक्स को दोनों को प्लस करेंगे, 38 है फिफ्थ, 39 है सिक्स, प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर लेंगे, ये मेरा 38.50 मेरा मीडियन आ जाएगा। ठीक है, अगर ये हमारा डेसिमल नंबर में आंसर, अगर ये जो फॉर्मूला है मीडियन का वो डेसिमल में आता है, तो फिर हम जैसे अगर 6.5 होता, 6.5 होता, तो मैं क्या करता, इस सिक्स्थ, ये सिक्स नंबर है और सेवन नंबर, उसके दरमियान 6.5 आता, तो इन दोनों 39 और 49 को प्लस करता और डिवाइड बाय 2 करता, तो जो आंसर होता वो मेरा मीडियन होता। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन है जिसमें हम बस सिंपल लिस्ट दी हुई हो, एक सिंपल एक लिस्ट प्रोवाइड हो, तब हम मीडियन को इस तरह सॉल्व करेंगे। अगर मेरे पास मीडियन का क्वेश्चन इस तरह दो कॉलम में है, जिसको हम कहते हैं अनग्रुप, ठीक है, तो कहते हैं अनग्रुप डाटा, लाइक इसमें एक्स दिया हुआ है और आपको एफ दिया हुआ है, ठीक है, दोनों कॉलम दिए हुए हैं, दो कॉलम वाइज अगर डाटा हो, तो हम यहाँ पहले एक्स को उतारेंगे फिर एफ को यहाँ पे कॉपी करेंगे। सबसे पहला काम जो है वो यहाँ पे मैं निकालूंगा कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या, लाइक सबसे पहले जो है वो जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो ले लूंगा मैं, 7 उतार ली, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसको ऐड करता चला जाऊंगा, 7 प्लस 11 18, यानी 7 में मैंने 11 प्लस किया तो ये 18 आ गया। अब 18 के अंदर मैं 16 प्लस करूंगा, 18 में मैं 16 प्लस करूंगा तो ये आ गया 34, फिर इस 34 में मैं 20 प्लस करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 54। फिर इस 54 में मैं 22 प्लस करूंगा तो 76, इस 76 में मैं 24 प्लस करूंगा तो ये मेरा हो गया 76, में मैं 24 प्लस करूंगा ये हो जाएगा 100, ठीक है, तो लास्ट ये मेरा 100 आ गया। और अगर मैं इस फ्रिक्वेंसी को भी सबको प्लस करता हूँ तो मेरा 100 ही आएगा, सेम होंगे। फिर जो है वो मैं यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला लगाऊंगा, एन प्लस वन अपॉन टू टी एच वैल्यू, तो एन जो है वो 100 है प्लस वन अपॉन टू, तो 100 एन वन अपॉन टू, तो डिवाइड करूँगा तो ये आएगा 50.5 जो है सी एफ के अंदर सबसे पहले किस में एग्जिस्ट करता है, 7 में, 18 में, 24 में एग्जिस्ट करता है, तो वो उसके सामने जो एक्स होगा वो मेरा मीडियन होगा। हालांकि 76 और 100 के अंदर भी जो है वो एग्जिस्ट करता है,
पर सबसे पहले जो है वो 54 में आ रहा है, उसके सामने जो x होगा वो मेरा 5 कहलाएगा, वो मेरा मीडियन, ये मेरा मीडियन हो गया। ठीक है, तो मींस इसके अंदर दो कॉलम आपको गिवन है, CF आपको निकालना है, CF जो आपको निकालना है, CF के अंदर फर्स्ट फ्रिक्वेंसी आपको ऐसी लिख देनी है और फिर उसके बाद अगली फ्रिक्वेंसी को ऐड करते चले जाना है, 7 + 11 = 18 + 16 = 34, 34 + 20 = 54 + 22 = 76 + 24 = 100, फिर आपने n + 1/2 उसकी वैल्यू 100 n है प्लस 1/2 ये आएगा 101/2 50.5 सबसे पहले आ रहा है लिस्ट के अंदर जो CF की लिस्ट है 54 में आ रहा है, 54 में आपको 50.5 मिलेगा, उसके सामने जो मेरा x होगा वो क्या होगा, मेरा CF होगा, सॉरी मीडियन होगा, यानी क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो 5 मेरा क्या है मीडियन। ठीक है, अब जैसे एक और क्वेश्चन है वापस आपको बताता हूँ, सेकंड क्वेश्चन इस तरह का एग्जांपल एक नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये मेरा एक्स है, ठीक है नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है वो मेरा एक्स है और ये एफ है, राइट। अब इसमें क्या है x ये f, यहाँ पे हमने ये x को लिखा, यहाँ पे मैंने f को लिखा, सही है दोनों लिख लिया। अब CF 5 है, 5 + 10 = 15, 15 + 14 = 29, + 11 = 40, + 6 = 46, + 4 = 50, ये ऐड किया ये 50 मेरा n आ गया। अब यहाँ पे n + 1/2 50 + 1/2 यानी 25.5 वैल्यू आई, 5 में नहीं है, 15 में सबसे पहले नहीं एग्जिस्ट कर रही, 29 में एग्जिस्ट कर रही है, हालांकि 50 में भी एग्जिस्ट करती है, पर किस में आ रही है सबसे पहले 29 में, 29 के सामने जो x है वो क्या है 2, तो मीडियन क्या हो गया मेरा, मीडियन हो गया मेरा 2। ठीक है, अब थर्ड टाइप ऑफ डाटा जो आता है मेरा वो दो कॉलम में होता है, लेकिन इसमें एक क्लास इंटरवल और एक में फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है, उसको हम कहते हैं ग्रुप, ग्रुप डाटा यानी ग्रुप हुआ हुआ होता है, लाइक ये आप देखें 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16 अच्छा, अब यहाँ पे ये आपने क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी ले ली, आप बोले साथ भी लिख सकते हैं क्लास इंटरवल के बाद फ्रीक्वेंसी, एक चीज इसमें रिक्वायर्ड है क्लास बाउंड्री, क्लास बाउंड्रीज, ठीक है क्लास बाउंड्री क्या चीज है, आप ये देख रहे हैं CF के अंदर ये लोअर लिमिट कहलाती है, ये अपर लिमिट, लोअर और ये कहलाती है अपर, ये लोअर सेकंड में अपर, लोअर अपर, लोअर अपर, लोअर अपर, यहां आप देख रहे हैं ये लोअर है ये अपर, फर्स्ट की अपर और सेकंड की लोअर,
वो सेम होनी चाहिए, क्लास बाउंड्री की पहचान ये, यानी ये अगर ये टू से हमारे पास फॉर एग्जांपल ये अगर टू फोर है तो ये फोर से शुरू होना चाहिए, फोर सेवन, फिर ये सेवन से शुरू होना चाहिए, सेवन टेन, फिर टेन से इस तरह शुरू होना चाहिए, ट्वेल्व, इस तरह एग्जाम्पल। यहाँ पे ये चीज़ सेम नहीं है, हमें इसको सेम करनी होगी, ठीक है। उसका वे ये है कि सबसे पहले जो है वो पहले की मैं अपर लिमिट लूँगा और दूसरे की मैं लोअर लिमिट लूँगा, फाइव, पहले का फोर, पहले की फोर, दूसरे की फाइव, ये हो गया अपॉन टू करूँगा तो नाइन अपॉन टू, ये हो गया आपका 4.5। इस 4.5 को लूँगा और मैं अपर से ही जो फर्स्ट की अपर है फोर उससे माइनस करूँगा तो ये आ गया 0.5। नॉर्मली 0.5 ही आता है, मोस्टली 0.5 ही आता है, अगर ये डाटा ऑलरेडी हमारा पॉइंट में होता तो फिर 0.05 भी आ जाता है, लेकिन मोस्टली लेकिन आपको निकालने का तरीका भी बता रहा हूँ कि किस तरह निकला है। अब इस 0.5 को लेंगे, इस 0.5 को लेके हम इस लोअर के अंदर माइनस करेंगे, इस 0.5 को लेके लोअर के अंदर मैं माइनस करूँगा तो ये आएगा 1.5, इसमें मैं प्लस करूँगा अपर में तो ये आ गया 4.5, फिर माइनस प्लस 4.5, 7.5, माइनस प्लस, माइनस प्लस, मैं माइनस करता रहूँगा लोअर में और अपर में प्लस करूँगा तो ये मेरा देख लें आप 4.5, 7.5, फिर 7.5 ऑटोमेटिक बन रहा है, यानी मेरा अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम होता चला जा रहा है, ये मेरा क्लास बाउंड्री है, क्लास बाउंड्री इस तरह निकालता है। अब जब क्लास बाउंड्री आ गई उसके बाद निकलेगा सेकंड सी एफ, सी एफ मैंने ऊपर बताया आपको कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी, जैसे ये टू है, टू एट टेन, टेन ट्वेल्व ट्वेंटी टू, ट्वेंटी टू फोर ट्वेंटी सिक्स, ट्वेंटी सिक्स प्लस टू ट्वेंटी एट, वही 28 सम निकाले अगर फ्रिक्वेंसी का तो वो भी है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे एन प्लस वन अपॉन, नहीं यहाँ पे लगाएंगे समीशन एफ अपॉन टू, ये वाला फॉर्मूला लगेगा समीशन एफ अपॉन टू, समीशन एफ 20 अपॉन टू, फोर्टीनथ वैल्यू। अब ये फोर्टीन वैल्यू क्या चीज़ है, टू सी एफ में देखेंगे नहीं आता, टेन में नहीं आता, 22 में आता है फोर्टीन, देखिए 26 और 28 में भी आता है, पर 22 में सबसे पहले आया, ये डाटा को मैंने सेलेक्ट कर लिया, राइट। अब हम लगाएंगे मीडियन का फॉर्मूला। अब ये डाटा क्या है, फॉर्मूला है मेरा एल एल प्लस एच अपॉन एफ समीशन एफ अपॉन टू माइनस सी एफ, ये मेरा फॉर्मूला है मीडियन का। यहाँ से हमने वैल्यू को, वैल्यू निकालने के लिए कि कौन सा डाटा सेलेक्ट करके उसकी वैल्यू निकालनी है, ये वो फॉर्मूला है समीशन एफ अपॉन टू, उससे मैंने वैल्यू सेलेक्ट की, ये मेरा मीडियन का असल फॉर्मूला है। एल का मतलब होता है यहाँ पे एल वन, और यहाँ एच का मतलब होता है एल टू माइनस एल वन। अब एल वन और एल टू क्या चीज़ है, जो डाटा सेलेक्ट किया है उसकी लोअर क्लास बाउंड्री जो है मेरी एल वन है, अपर क्लास बाउंड्री मेरी एल टू है, और जो फ्रिक्वेंसी मेरा एफ है वो मेरी एफ है। सिंपली कुछ नहीं करना, उस डाटा को हमने इसमें पुट करना है, एल वन की जगह पे 7.5, एच की जगह पे यानी एल टू माइनस एल वन, एल टू है 10.5 माइनस 7.5 तो ये आया 3, ये 3 लिख दिया, अपॉन एफ 12 है, समीशन एफ अपॉन टू ऑलरेडी ऊपर निकाल चुका हूँ 14, चाहे तो यहाँ वापस लिख सकते हैं, और माइनस सी जो डाटा सेलेक्ट किया ना सी एफ उससे ऊपर वाला डाटा 10 उस पर ऊपर वाली सी एफ की जो डाटा सेलेक्ट किया 22 में हमने देखा था 14 को, उससे ऊपर वाली लास्ट वो मेरा सी एफ होगा 10। सिंपली सॉल्व करना है 3 अपॉन 12 मल्टीप्लाई 4 तो 3 4 का 12 और नीचे भी 12 इसको कैंसिल कर दिया तो ये मेरा 1 आया, 7 प्लस 5 7.5 प्लस 1 8.5 ये मेरा मीडियन हो गया, ठीक है। अच्छा
अच्छा, दूसरी बात यह है कि बास क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली क्लास बाउंड्री दी हुई होती है, तो फिर हमें यह निकालने की जरूरत नहीं होती है। लाइक एक क्वेश्चन है, ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी जो क्लास इंटरवल और जो फ्रिक्वेंसी, ये क्लास इंटरवल एज अ क्लास बाउंड्री दे दी। देखिए, आप लोएस्ट अपर अपर फिर लोएस्ट बन रहा है, सेम है। जब इसको चार्ट में उतारे इस तरह समझ आएगा आपको। देखिए 35 35 45 45 55 55, इट मीन्स ये क्लास बाउंड्री के बना, तो हमें क्लास बाउंड्री का कॉलम जो है बनाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली फ्रिक्वेंसी लिखेंगे और सी एफ वही मैंने बताया, 4 4 प्लस 11 15 प्लस 19 34 प्लस 13 47 प्लस 148 प्लस 250, वही जो है मीडियन के लिए समीशन एफ अपॉन टू टोटल 50 अपॉन 2, 25th वैल्यू। 25th सबसे पहले किस में आ रही, 4 में नहीं आ रही, 15 में नहीं, 34 में आ रहा है। जी, पूरा डाटा सेलेक्ट कर दिया और हमने डायरेक्टली जो है मीडियन का सिंबल जो हमें मीडियन का फॉर्मूला लगा दिया। अच्छा, मीडियन को जो है वो हम इस सिंबल में भी डिनोट करते हैं, सॉरी ये तो मीन का है, इस सिंबल में भी डिनोट करता है, ठीक है, इसको हम मीडियन भी मीडियन की जगह पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब एल एल वन 41 है, 45 है, एच 55 माइनस एल टू माइनस एल वन 45, ये हो गया 10, एफ मेरा 19 है, समीशन एफ अपॉन टू ऑलरेडी 25 ऊपर निकाल चुका हूँ, और सी एफ जो डाटा सेलेक्ट किया है उससे ऊपर वाला 15। सिंपली सॉल्व करेंगे उसको, 45 प्लस 10 अपॉन 19 मल्टीप्लाई बाय ये 25 में से 10 निकालेंगे, 10 आ गया, 10 10 100 अपॉन 19, तो 100 अपॉन 19 जो है वो मेरा 100 को मैं 19 से डिवाइड करूँगा, तो ये जो मेरा है 5.26, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 50.26 मेरा मीडियन हो गया, ठीक है। तो अगर आपको ये क्लास बाउंड्री दे दी जाती है तो तब हम सिंपल क्लास बाउंड्री नहीं उसका कॉलम बनाएंगे, डायरेक्टली एफ और उसका सी एफ निकालने के बाद वही स्टेप्स को फॉलो करेंगे जिसमें हमने ये क्लास बाउंड्री बनाई थी। तो आगे के स्टेप तो सारे वही हैं, बस इस क्लास बाउंड्री जो है वो दी हुई है सवाल में, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर जो है वो मैंने आपको जो है एक तो सिंपल एक लिस्ट डेटा प्रोवाइडेड हो उसका मीडियन बताया, ठीक है, उसका पूरा वे बताया किस तरह प्रोसीजर है, स्टेप्स क्या है उसका। दूसरा मैंने आपको अनग्रुप बताया जिसमें दो कॉलम दिए हुए हों उसमें क्या प्रोसेस है, और तीसरा मैंने आपको बताया ये ग्रुप डेटा, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी, आपकी कन्फ्यूजन जो होगी वो भी दूर हुई होगी, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ आगे बताऊँ।